हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। CHE 7 लैब क्वेश्चंस, इसकी लिस्ट बनाई है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने जिसे आप वीडियो को साथ साथ देखते हुए रिवाइज कर सकते हैं। कुछ फिलअप्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूला है, कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, तो कुछ रिजल्ट्स के लिए अप्लाइड क्वेश्चंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं स्टेप वाइज कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किन रिएक्शंस के थ्रू पास आउट होना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट आपको बनाना था, जो गिवन बनाना है आपको, उसका बाद में आपको ज्योमेट्री देखना है, हाइब्रिडाइजेशन देखनी होगी, तो स्टडी कैसे करोगे और कैसे बनाओगे, तो ये सब आपके सामने है। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ डेफिनेशंस हैं और एनालिसिस है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें क्लास 1, 2, 3, 4 सभी के आपको आयंस की लिस्ट का पता होना चाहिए कि किस क्लास में कौन से आयन प्रेजेंट हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें। जैसे कि केमिकल एनालिसिस, जो इनऑर्गेनिक एनालिसिस है, उसमें आपको जो गिवन मिक्सचर होता है उसमें टेस्ट करने के लिए आपको वाटर एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, तो वो वाटर एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उसके स्टेप्स भी पूछ सकते हैं। और जो रिजल्ट है उसका, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके क्या रीजंस हैं, उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका ऑब्जर्व कर, उससे ऑब्जर्व करने के बाद वो उसका कलर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, एक पर्टिकुलर डिटेक्शन के लिए, पर्टिकुलर आयन डिटेक्शन के लिए आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करें। फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए चैनल कोर क्लासेस। थैंक यू।